बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से आफिर फैजान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी हम आए हुए हैं वहीं कज़न के डेरे पे और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, जो कि मैंने 3-4 वीडियो के अंदर इस बात का दावा मतलब कहा था, बस दावा नहीं किया था बट कहा था मैंने कि आपको दिखाऊंगा गुड़ कैसे बनता है हमारे गांव में। पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि शुरू से लेके जहाँ पे शुगर केन का खेत होता है वहाँ से लेके गुड़ की पेशी बनने तक कैसा प्रोसेस होता है। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगा और साथ साथ पियेंगे गन्ने का रस। आप सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, पीऊँगा तो मैं ही, लेकिन आप महसूस करना, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं, तो पीछे जो गुड़ बन रहा है वो सामने जो है धुआं मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ से शायद नज़र आ रहा हो, तो वहाँ बन रहा है। और हम यहाँ पे आए हुए हैं नींबू तोड़ने के लिए। नींबू डालते हैं शुगर केन के रस के अंदर, जो गन्ने का रस होता है, जूस होता है, उसके अंदर डालते हैं, तो वो काफ़ी फिर जो है ना मज़ेदार बन जाता है। तो अभी नींबू तोड़ने के लिए आए हुए हैं, तो भाई लोग तोड़ रहे हैं नींबू, वो तोड़ के लेके जाते हैं। फिर आपको साथ वो शुगर कैन लगा लें, गन्ना लगा लें, जो भी है, तो उसका रस पीते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। घट तो घट 10 लाख ला लीए हो जाऊगा उस हिसाब न किस्त बना देनी। अच्छा जिन्ना लोग नहीं है नहीं नहीं 1% नहीं जिन्ना लेना भाई एक सामने लगा जिन्ना लेना उन्हें वापस देने 10-12 भाई ओ मतलब 8 लाख लेगा तभी 12 साल पक्की जी यार 25 लाख लेगा तभी 12 साल देगा। नींबू के करे ये नींबू है, ये नींबू है, आओ इतना पता हुआ ये नींबू है बाबा। ये हमने निचोड़ के हमने रोब में डालने हैं। चढ़ जा बंदर जरा हाँ यार मेरे हाथ बड़े भरा यार मेरे हाथ बड़े ही बाजू पाए तेन चोरी करने का तजुर्बा बाबा। जी तो ये है खेत गन्ने का, शुगर केन, और ये रहा पौधा, ये देखें, और वहाँ तक जाती है इसकी ऊंचाई, और इसे यहाँ से फिर तोड़ लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है। और तोड़ने के बाद ये जाते हैं वहाँ पे सामने, और सामने जो पड़े हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखो, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसा मैंने एक ब्लॉग के अंदर भी दिखाया था कि यहाँ से फिर रस वगैरह बनता है और ड्रम के अंदर जाता है, पाए वगैरह होता है, तो जैसा ये है, ठीक है। और यहाँ पे आ रही है सारा इस पाइप के ज़रिए वहाँ से यहाँ पे आ रहा है सारा रस, और उसके बाद ये बन रहा है गुड़। जो ऊपर नई कढ़ाई अभी नई कढ़ाई रखी हुई है वो है, और ये सारी मैल वगैरह होती है, और ये जो गुड़ है ये अभी भी बना के रखा है, हमारे आने से थोड़ी देर पहले ही इन्होंने बना लिया था, और अभी इसकी पेशियाँ वगैरह बना के रखी हुई। तो पहले पीते हैं जी हम गन्ने का रस, और तब तक जो है ना नई कढ़ाई है वो भी तैयार हो जाएगी। अच्छा तो अभी से स्टार्ट करते हैं। हाथी निकले जिथे लगी खत्म, चलो करो। आई एम पेंडू जिम्मेदारा ने बच्चे जे वो ग्रेनेड आ रहे हैं। बस मैंने आपको दिखाया वहाँ से आ रहा था और यहाँ पे इसका ग्रेनेड आ रहा है। अभी यहाँ से इसे जो पानी होती है चाय पुनने के लिए उससे पुन के फिर इसे पियेंगे साफ़ करके, ताकि इसका गन वगैरह जो इसके अंदर छोटे मोटे ज़रात हों वो निकल जाए। उनका छोटे छोटे गले ला पड़े लग रहे ऐसे लाला पहला करने यार वो सही सही लग रहा है यार। अब आप सुन रहा भाई सही सही लाला पहले एक मिनट रुक गया तो मेरे से रहा यार एक मुंडा बम की करता ना मुंडा की तरह भी तेरे भी सामने पड़ता है सादी यार नाल कोले ले आ ते नाल जिद्दा लाग लेंदे आ इहदे विच ले आ बर्फ ओ यार दबाओ इतना नहीं पीना नहीं तो नहीं पीते जानी चल बर्फ को चलो अपने लिए बर्फ इतना तो मैं गंदे खराब होते हैं यार नहीं होते काले होते हैं काले टाइप हो उधर उधर पीने इसलिए कि पीते जाने जाते उधर कितने पीने गए जरा गंदा काले ला देने काले ला देते हैं इतना दिखावा हाँ जी अठारह अल्लाह बोल पकड़ो कले हो रुपये हो इतना खट्टा है। उंगलियां मैंने चाट ली हैं क्योंकि वो अभी नींबू में करके हटा नींबू सॉरी असल में पंजाबी के अंदर कहते हैं नींबू तो वो जो है ना उसी नींबू से फिर जेर में आ जाता है नींबू लेकिन लीमू लफ्ज़ होता है उर्दू में और पंजाबी हमारे कहते हैं नींबू इस वजह से। तो भाई अभी नींबू काट रहे हैं, काटने के बाद उसे डालेंगे रस के अंदर फिर डाल के और उसके बाद जो है हम पीते हैं और फिर आपको गुड़ का जो प्रोसेस सारा वो दिखाता हूँ। और हमारे पीते पीते ये जो कढ़ाई रखी हुई है ये उबलना शुरू हो गई है। तकरीबन हाफ प्रोसेस का मुकम्मल हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इसने इसी तरह जलते 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 गुड़ बन जाना है। अग भी बल रही है आहो और सुता है यहाँ जिसका मुंह रखा हुआ है अंदर ये जो चूरा वगैरह होता है ये डालने के लिए। और ये सारा वो जो गन्ने का मैंने दिखाया था आपको कि वहाँ से जो छिलके होते हैं वो निकल रहे होते हैं उसी का फिर यहाँ पे उसकी आग जला ली जाती है वो आग जलाने के काम आ जाता है। वो पड़ी और ये सूख गई है बिल्कुल सख्त हो गई है देखिए। तो इसे अभी ये रखा हुआ है बाद में इन खेलों के अंदर पैक कर लिया जाएगा। मजे का क्यों नहीं होना वेख तू तो पेंडू पेंडू हला हला के जान दे बिल्कुल देसी तरीके से दुपट्टा रख के पहुँच रहे हैं। नबील भाई यहाँ से पौनी वगैरह नहीं मिल रही इसलिए नबील भाई अब और मेरा हाथ चल के जाना चाहिए दिखता है वो दिखता है जब दो नंबर ही ना दिखता है जी। तो अभी हमने गन्ने का रस जो पी लिया है वो वगैरह पी ली है और अभी इंतज़ार करें कि ये जो कढ़ाई ऊपर रखी है इसके पकने का इंतज़ार करते हैं कि कब तक पकती है। अभी मेरा ख्याल है कि आधा घंटा लेट है बाकी चाचू से पूछ लेते हैं कि कितनी देर लगती है। तब तक वो सामने ट्यूबवेल लगा हुआ है वहाँ पर जाते हैं जाके नहाते हैं क्योंकि ठंडा पानी होता है और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और आपको दिखाता हूँ कि ट्यूबवेल पे नहाने का कितना मज़ा आता है जैसे वो पूल पे नहीं जाते ये शहरी लोग। हमारे गांव के ये ट्यूबवेल और इसलिए टरबाइन वगैरह होती हैं। तो अभी चाचू से पूछते हैं कितनी देर उसके बाद फिर वहाँ जाते हैं और तब तक के लिए हमारा जो टाइम है वो भी गुजर जाएगा। ये ऊपर किनारों तक आ गया हुआ है और इसका काफ़ी रंग जो है ना तब्दील हो जाता है। अभी तो ये आपको पीला पीला सा नज़र आ रहा होगा, ऊपर धुआं भी काफ़ी है और ये इसका रंग काफ़ी गहरा सा हो जाता है और जब ये पक जाता है ये बिल्कुल थोड़ा सा बन जाता है इतना सा। चाचू कितनी देर आ? आधा घंटा दे रहा। आधा घंटा दे रहा, चलो ठीक है। ये सारा जो है ना यहाँ पे ये जो गन्ने के वो मैंने आपको दिखाए थे छिलके वगैरह जो आते हैं और जो मशीन के आगे से निकलते हैं वो सारे बिखेरे हमें यहाँ से सूख जाते हैं। वो पहले गीले होते हैं ना, तो जब सूख जाते हैं फिर यहाँ से उठा के वहाँ पे जलाने के काम आ जाते हैं। ये जब हमारे यहाँ पे फसलों में पानी की कमी होती है और जब नहरों में पानी नहीं आता, यहाँ पे जो हमारे होते हैं नहरें होती हैं और इसी तरह मोगे वगैरह बने होते हैं, खाले होते हैं। जब पानी ख़त्म हो जाता है और फसलों को पानी चाहिए होता है और कोई पता नहीं होता तरीका कि किस तारीख को पानी आएगा, तो तब ये ट्यूबवेल और इसी तरह टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी कज़न लोगों की है, मीन के हमारी ही है, ठीक है। और ये भी हमारी है और ये खाले के अंदर पानी जा रहा है फसलों को पानी देने के लिए। वो आपको दिखाता हूँ खाले के अंदर कहाँ से जा रहा है और किस तरह। ये एक नाल सी लगाई हुई है और यहाँ से ये देखें पानी आ रहा है यहाँ पर और यहाँ से ये बंद लगाया हुआ है और पानी जा रहा है वो पुली से आगे की तरफ। उस साइड पर जो फसलें हैं वहाँ पर है। लेकिन अभी सबका मूड बन गया है, अभी सब नहाएंगे। पहले वो भाई बेचारे केले के अंदर पानी के अंदर घुसेड़ के ये दोनों मुकर गए थे और अभी दोनों मान गए। गोली का चलना है। तो अभी हम नहा आए हैं और चाचू की हमें जो आवाज़ आ गई थी कि बनने वाला है तो आप आ जाओ। अभी हम आ गए कढ़ाई के पास और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से फिर क्या प्रोसेस होता है जब पूरा बन जाता है। तो मैं आपको बिफोर और आफ्टर दोनों दिखा दूँगा कि जाने से पहले, नहाने जाने से पहले कैसा था और अब कैसा है। उसकी आप पिक अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और जब बन गया, बन के देखें कितना थोड़ा सा बन गया, मैंने जैसे आपको पहले बताया। इसी का वो उस तरह का गुड़ बनेगा। ये तो अभी टाइम है बाहर निकालने का और ये जी बस अभी थोड़ी सी कसर और है और थोड़ा सा और घुमा लें उसके बाद मेरी कढ़ाई हो गई बिल्कुल खाली और अभी वो सारा गुड़ आ गया यहाँ पे। जब गुड़ नहीं जाएगा ना फिर भी चलो वीडियो बनाएंगे। आपको गुड़ तैयार हो रहा है। अच्छा गुड़ बनने से पहले एक होता है, उसे कहते हैं हमारी पंजाबी ज़बान के डोसे कहते हैं चीड़। तो वो जब इसे गोड़ते हैं, वो रंबी है उसके साथ, उससे पहले ये होता है वो थोड़ा थोड़ा चीड़ा चीड़ा सा होता है, इसलिए इसे कहते हैं कि चीड़। वो गन्ने को ऊपर लगा खाते हैं। तो पहले वो लगाएंगे, उसके बाद फिर भाई बनाएंगे गुड़, और फिर उसके बाद यही प्रोसेस वो सारा वहाँ पे। और ये नई कढ़ाई के लिए अंदर इसका जो नया रस है वो डालना शुरू कर दिया, और यहाँ से अभी नई कढ़ाई बनना शुरू हो गई है। और ये इसी तरह नई बनी है, और इसी तरह इसे बना के फिर वो थोड़ी सी बन जाएगी, यहाँ पे यहाँ से फिर ये सारा प्रोसेस होता है। छूट गया तो हमें लगी ये हमारा चिकड़ा हो गया तैयार बिल्कुल कुछ इस तरह से। डांटों को बहुत चिपक जाता है गन्ने पे, देखें इसे घुमाते रहते हैं, फिर साथ इसके चिपक जाता है, और भी इसे खाते हैं। और यार मेहरबानी डांटा गया, लेकिन कितना चिपक गया है। अभी सारों को खाना है, मुँह सारा इसी तरह हो जाना है जी। तो हो गया अभी काफ़ी सख्त, पहले बिल्कुल नरम था, और अभी अभी भी नरम है बट पहले की निस्बत हो गया है। और अभी इसकी बनाई जाएंगी पेशियाँ। वो सामने पानी रख लिया है ताकि हाथ गीले करके ना फिर वह पेशियाँ बनाते हैं। तो स्टार्ट करने लगे। जी तो ये देखें सारी बन गई हैं, और इसी तरह फिर इसे यहाँ पे ले आए, और यहाँ से इसके बाद वो थैले पड़े हुए उनके अंदर पैक करके फिर उसके बाद चाहे आप अपने घर में इस्तेमाल करें या फिर इसे गला मंडी के अंदर सेल करने जो भी करना होता है फिर आप कर सकते हैं। और एंड पे ये इतने प्रोसेस के बाद ये सामने आपको गुड़े बन गए। जी तो ये थी आज की वीडियो, गुड़ बनाने का सारा शुरू से लेकर एंड तक तरीका। तो खैर आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी होगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।